हम बात कर रहे हैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर की गिरावट के साथ फिलहाल स्टॉक जो है ट्रेड होता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 160.75 पैसे पर फिलहाल ट्रेड होता नज़र आ रहा है। 176 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, गिरावट दिखाई, अगेन बाउंस बैक हुआ था, लेकिन इस बाउंस बैक के साथ अपने इस हाई को स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पाया। उसी लेवल से रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई, छोटा मोटा जंप, अगेन गिरावट, लो ब्रेकडाउन, अगेन जंप, अगेन गिरावट, लो ब्रेकडाउन, अगेन जंप, अगेन गिरावट, लो ब्रेकडाउन। यानी स्टॉक हमको यहाँ से लो और लो पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से अब रिफेक्स हमको और गिरावट दिखा सकता है। इस वक्त जहाँ ट्रेड कर रहा है स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया पर है। 160 का लेवल इसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ से अगर स्टॉक बाउंस बैक होता है तो 162 और इसको ब्रेकआउट करके 164 तक का जंप हमको दिखा सकता है, लेकिन छोटे मोटे जंप पर हमको अवेयर रहना है। हमने देखा कि स्टॉक में जंप यहाँ भी आया है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, अगेन गिरावट के साथ लो ब्रेकडाउन। जंप यहाँ भी आया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, गिरावट के साथ लो ब्रेकडाउन। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ हमको जंप देखने के लिए मिला तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि स्टॉक जंप पर रिजेक्शन ले रहा है और अपने रिसेंट लो को ब्रेकडाउन करता नज़र आ रहा है। अब जिस लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेके हमको रिकवरी दिखाई थी, हम देख सकते हैं 155 का लेवल है, एक तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 155 का लेवल एक तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इस लेवल से रिफेक्स का खेल पलटते नज़र आ सकता है, लेकिन अगर इस लेवल को भी ब्रेकडाउन कर जाता है स्टॉक तो फिर वैसे कंडीशन में 148 से लेके 140 तक का भी फॉल स्टॉक हमको दिखा सकता है, 140 तक की भी फिर गिरावट दिखा सकती है। इसलिए हमको छोटे मोटे जंप पर अवेयर रहना है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला है 155 का लेवल। अगर स्टॉक 155 या इसी लेवल से बाउंस बैक होता है तो हमको इंतज़ार करना है, ये जो हाई कैंडल है इसका, इसको ब्रेकआउट करने देना है। 168 का लेवल, मोटा मोटा हम 170 का लेवल मानते हैं, 170 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होने देना है। अगर 170 के लेवल को ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन हो गया तो फिर क्लियर कट रिफेक्स का हमको सिग्नल रहेगा, यहाँ से बड़ी तेज़ी का सिग्नल क्लियर कट रहेगा 170 के ऊपर सस्टेन होने का। लेकिन इसको अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर ये जो गैप स्टॉक ने छोड़ी हुई है ना यहाँ पर, इसको फिल करने के लिए फिर 140 तक का भी फॉल हमको दिखा सकता है। इसीलिए हमको थोड़ा सा अवेयर रहना है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।